परफेक्ट iOS 16 का थीम चाहिए, ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका पूरा फोन का लुक चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहिए इसको अप्लाई करने के बाद गूगल का फोल्डर में, तो इसमें आपको क्लासिक iOS इंस्पायर्ड आइकन्स देखने मिलता है। फोल्डर स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, ऐसा कुछ जो एनेबल करना आपका डिवाइस, मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहिए इसका टूल्स का फोल्डर में, तो उसमें भी आपको आइकन्स चेंज होते हुए देखने मिल जाता है। आइकन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपको परफेक्ट iOS इंस्पायर्ड लुक देखने मिलने वाला। होम स्क्रीन में भी आपको सभी आइकन्स चेंज हो जाता है और आपको बाकी जो मतलब पूरा कंप्लीट iOS इंस्पायर्ड लुक देखने मिलेगा। कंट्रोल सेंटर में आपका जो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने मिलता, बट आपका स्टेटस बार में जो चेंजेस देखने मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं, आपका जो है बैटरी इंडिकेटर, नेटवर्क इंडिकेटर में चेंजेस देखने मिल जाता है। इनफैक्ट आपका जो है थोड़ा बहुत फॉन्ट में भी चेंजेस देखने मिला। अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे कि इसका सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स पे आपको क्लासिक iOS इंस्पायर्ड जो है टॉगल्स देखने मिलता है, आपका iOS इंस्पायर्ड का लुक देखने मिलता है, आपका बहुत सारा जो टेक्स्ट का नाम भी जो है चेंज किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो इसमें आपको जनरल सेटिंग्स, आपका अबाउट फोन की जगह आपका माई डिवाइस देखने मिलता है, फिर आपको एप्स अपडेट देखने मिलता है, फिर आपका सिम एंड नेटवर्क जो भी उसमें आपको सेलुलर देखने मिल जाएगा, तो आपको ये सब चेंजेस देखने मिलता है। तो अगर आपको पूरा जो UI में चेंजेस करना है, तो ये आप थीम को अप्लाई करके वो चीज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको चेंजेस देखने मिलता है। वाईफाई में भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिल जाता है। डिस्प्ले एंड कंट्रोल सेंटर में भी मतलब पहले आपको डिस्प्ले देखने मिलता था, अभी आपका कंट्रोल सेंटर भी ऐड किया गया है। और अगर आप जाइएगा बाकी जैसे कि, तो इसमें आपको जनरल सेटिंग्स, जो कि आपका एडिशनल सेटिंग्स था, अभी आपका जनरल सेटिंग्स कर दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चेंजेस चाहिए, तो इसमें आपको पूरा सेटिंग्स में एक टॉगल्स मिसिंग देखने मिलता है, जो कि चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली सभी ज़्यादातर थीम्स में ये मिसिंग होता ही है टॉगल्स, जो कि नहीं पता क्यों है, बट ज़्यादातर थीम्स में वो टॉगल मिसिंग होता है। डायलॉग मैसेजेस आप चेंज नहीं होता, जो कि आपको पता ही रीज़न क्या है, गूगल डायलॉग मैसेजेस आप चेंज नहीं होने वाला है। और अगर आप जाइए इसका वॉल्यूम स्लाइडर में, तो वो भी आपका चेंज नहीं होता है। बट थीम काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, लॉक स्क्रीन ना के बराबर चेंज हुआ है, जो कि मतलब लॉक स्क्रीन में थोड़ा सा iOS से इंस्पायर्ड टच होना चाहिए, तो या iOS का iOS 16 का तो विजेट्स अगर होता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता, बट आपको काफ़ी सिंपल सा डिफॉल्ट जो है लुक देखने मिलता है, बस खाली इसमें आपको वॉलपेपर चेंज किया गया। तो अगर आपको आपका डिवाइस में ऐसा कुछ थीम चाहिए था, बोरिंग लॉक स्क्रीन के साथ इंटरेस्टिंग होम स्क्रीन और सेटिंग्स और बाकी UI, ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये थीम डाउनलोड मारना है, इसके लिए आपको जाना होगा, सर्च करना होगा थीम स्टोर में IOUI, जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये थीम मिल जाएगा, IOUI M14.4 सर्च कीजिए, थीम स्टोर में जाके नाम आपको दिख रहा होगा, जल्दी से ये सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये iOS इंस्पायर्ड थीम, जो कि क्लासिक iOS इंस्पायर्ड थीम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, थीम पसंद आया, डाउनलोड मारिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट कीजिए, नया थीम आपके पास जो कि आप उसका वीडियो का वेट करें तो जाइए सजेस्ट कीजिए, ताकि उसमें वीडियो बन सके। वीडियो को शेयर कर दीजिए, नीचे कुछ पूछना कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेडी रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, आपको डेली ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएगा। चलो यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।